सर्कस, कार्निवल में चल रहा है सर्कस। हेक्टर एंड न्यू न्यू कॉन्ट्रो देखो, अरे वाह, कम्युनिटी में वापस मसाला आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे को। उसने पहले स्टार्ट किया कल वो सब कमेंट करके। मैंने बस आज अपने स्ट्रीम पे, जितने लोग मेरे स्ट्रीम पे थे, मैंने अच्छे से क्या बोला पता है शेडो, कि वो उसका पर्सनल, वो बोला कल, देखो पूरा पता था, उसने कल अपने स्ट्रीम पे बोला कि उसके नियो के साथ कभी शॉर्ट नहीं होने वाला ना, राइवलरी तो बनी रहेगी, ऐसी वैसी ये सब चीजें बोला। फिर उसके बाद बोला कि किसने वो उसको बोला कि दोस्त बन जाओ, तो वो बोला कि मैं दूर रहता हूँ ऐसे लोग। मैंने नहीं बोला ठीक है, मेरी कल रात को शांति से ये चीज को लेकर बात हुई, तो उसने बोला बात करते हैं। फिर उसके बाद मैंने, मेरा स्ट्रीम पे सब लोग बोल रहे थे एक्टर ने ऐसा बोला, तो मैंने बोला कि गाइस जो भी है उसका पर्सनल ओपिनियन, अभी तक स्ट्रीम है वो जाके देखना ना, एक गाली दिया ना कुछ गलत बोला, मैंने बोला जो भी है उसका पर्सनल ओपिनियन है, उसको नहीं अगर करना तो ठीक है, तो मैं भी नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि अगर सपोर्ट चाहिए तो मैं क्यों करूँ। मैंने बोला गॉड लाइक में है मेरे भाई लोग, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, बस इतना बोला। और मैं, उसने बोला था कि मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं वो जगह पे खड़ा भी नहीं रहता हूँ जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। और वो चीज़ का वो ट्विटर पर जाके लिख रहा है कि स्ट्रीम पे बजने से क्या ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ता ना, ये बढ़ता है ट्रॉफी जीतने से बढ़ता है, और तू, मैं स्पोर्ट से फोकस करता हूँ, तू सीसी पे कर। अबे भाई बता, अभी ट्रॉफी का बात तेरे और मेरे से कर रहा है ठीक है, मेरे से भी कर ले भाई, ठीक है, पर तेरे से कैसे कर भाई सकते इतना। हैं बता। भाई सुन, पहले 3 मेजर जीत जा, एक में एमवीपी बन जा, 5-6 इंटरनेशनल खेल ले, इंडिया को 3-4 बार टॉप 5 लेके आ, फिर उसके बाद अपन बैठ के, मैं बोल तो रहा हूँ, और अगर तेरे को ब्रांड वैल्यू का बात ही करना है अभी भी जा, ब्रांड वैल्यू देख ले किसका, मार्केट में जाके पिच कर, देख किसके पास ज्यादा ब्रांड्स आते हैं। एक डील भी भाई, लाइफ में एक डील भी तेरा लॉक हुआ है क्या 10-15 लाख का, कि 15 लाख 20 लाख का तेरा डील लॉक हुआ है, वो भी और ऊपर से खुद का खेलने का भी उसका ऊपर नीचे रहता है, कभी उसकी जगह कोई और खेलता है, क्यों बोलना दूसरे को, हम बोलते हैं ब्रो, नहीं बोलते। गाइज इनको चैट, इनको निकाले कि ये निकला हुआ है कुछ छोड़ा इसने सामने से, इसके लिए तो कार्निवल बूट कैंप नहीं आने का ना शैडो। हाँ नहीं आएगा यार तो शैडो बोल लेगा कि नहीं भाई उधर जाऊंगा तो उसका मुंह देखने को पड़ेगा। अबे ज्वाइन करने के टाइम पे तो फिर मैं तो बोला था भाई ये सब सीन होगा, एक ट्रॉफी जीता है गलती से तू भाई, उसमें तू इतना बज रहा है, उसके बाद क्या है, किधर जीता है तू, कुछ जीत रहा है, वो एक चश्मा लगा के बैठा रहता है बस तू, और तू क्या। जस्ट बिकॉज वो 1.5 साल, कितने साल हो गए वो ट्रॉफी जीते हुए उसको, हो आवाज कैसे चेंज हो गई गया भाई, इसका बैन के पहले जीते डेढ़ अभी। आज तो कुछ आ जाते हो, हम लोग लिए कभी ऐसा पैसे 300-300 हजार रुपए मैच खेलने के अबे लिए, तो क्या आ जाओ 300, अबे सुन एक भाई, एक बहुत पर्सनल वो बोलूंगा नहीं, मतलब दो बस तीन ना, किससे वैसे कुछ पता मत है, बोल, मैं तुम लोग बस एक ही दो बता तीन रहा हूँ, तुम लोग किससे क्यों पता हमको है, पोक नहीं करते बस हो, बता रहा हूँ कि पता है चीजें हमको भी, एक दो अभी खतर हम लोग तुमको है कभी कुछ बोलते नहीं है, कभी ना कुछ स्ट्रीम पे ना नहीं कुछ। भाई, बता देख नहीं भाई, आपस में आपसी वारदात हो गई, इंटरेस्टिंग है ब्रो ये। गाइस आपका क्या पियो, ये सब जो अभी मसाला वापस से चालू हो गया, मेरे तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे मसाला बढ़ते रहे तो मेरे को और मजा आएगा। एंटरटेनमेंट हम इंडियंस को क्या चाहिए भाई, हर जगह मसाला। अरे भाई कार्निवल गेमिंग में तो भाई मस्त है, कार्निवल गेमिंग वाले मस्ती कर रहे हैं सारे। सर्कस, कार्निवल में चल रहा है सर्कस, अब हम जैसे क्लाउन्स बस बाकी है। मायावी को सपोर्ट मत कर भाई, डोंट ब्रेन वॉश भाई। देखो हम पिछला बार जो भी बोले, हम क्या बोले होंगे कि क्या पता उसको पता हो या ना हो। अब देखो या तो एक चीज हो सकता है, या तो वो को पता ना हो, अनजान हो। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, उसको पता हो, वो सब में इन हो, और बहुत पहले का भी हम सुने हैं बहुत सारे एलिगेशंस, नहीं पता वो सही हो या गलत हो, मतलब उसकी टीम के ऊपर। बट आई वुड लॉ, मेरे को अभी कमेंट नहीं करना है वो सब के ऊपर कुछ भी, पर मेरे को ज़रूर से ये तो वेट रहेगा कि मायावी भाई कब वापस से आए और बोले। कहीं कि आदमी गलत होता या सही होता, अगर वो सही होता तो जरूर से आता, प्राउडली आता कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई थी, सपोर्ट किया था उनको, पर अभी वो नहीं आ रहा है, वो चुप है इतना टाइम से। और अगर वो सोच रहा है कि अगर मैं बहुत टाइम ऑफलाइन रहूँगा, कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा, स्टोरी वोरी नहीं लगाऊँगा बहुत टाइम के बाद, फिर भूल जाएंगे लोग, अब क्या पता क्या चल रहा है। जैसा गोल्डी भाई अभी कहे कि उनके पास भी प्रूफ है,
स्नेहिल के लिए जो भी, तो वो लोग भी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर ही रहे होंगे। जो भी भाई, मेरे को ये सबसे कोई मतलब नहीं। अच्छा है जो सब भाई लड़ो, आपस में ही लड़ते रहो, मेरा क्या जा रहा है। पर ये तो ऐसे बहुत गलत चीज़ है कि इतना टाइम अगर आप सपोर्ट किए, बूट कैंप पे रखे, सब चीज़ किए, उसके बाद भी आपकी टीम को बैन पड़ रहा है, तो समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। क्योंकि इतना टाइम से तो भाई ऐसा कोई, इतना टाइम से वो कम्युनिटी में है, बंदा समझदार बंदा है, ट्राइडेंट के साथ भी एफिलिएटेड है शायद से, घातक भाई का भी अच्छा ही दोस्त है, इतना टाइम से है वो कम्युनिटी में, तो ऐसा चूतिया बनना तो एक बात नहीं है, क्योंकि वो तेज बंदा है मेरे को पता है, और बच्चों से थोड़ी ना वो बन जाएगा।